हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूस्ट लर्न ई वी एस वन लेसन नंबर फोर्टीन दैट इज ट्रांसपोर्ट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ओनली क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर सो लेट्स बिगिन यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं ओके okay? एक्सप्लेनेशन वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपके सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं तो आप देख सकते हो जो भी आपको चाहिए जो भी चैप्टर्स चाहिए यहाँ पर जो आपने कॉमेंट किया है इस चैप्टर का तो यहाँ पर मैं वो आपको बता रही हूँ क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी अंडरलाइन करके आंसर्स जो भी है वो दिया गया है हम आते हैं डायरेक्ट मेन क्वेश्चन आंसर पे बिल्कुल क्लियर है पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल ब्लर नहीं है ओके क्लियरली दिखाई दे रहा है पॉज करके वीडियो लिख सकते हो एक एक आंसर अच्छे से दिख रहा है वी शुड गो टू नियर बाय प्लेसेस बाय वॉकिंग बाय कार बाय रिक्शा तो बिल्कुल सिंपल है बाय वॉकिंग चल के जा सकते हैं हम अगर पास में है तो ट्रैफिक जैम लीड्स टू क्या होता है कौन सा पोल्यूशन वाटर एयर सॉइल सो एज वी नो दैट इज एयर पोल्यूशन यहाँ पे आएगा आंसर एयर आएगा ठीक है और इसमें क्या आएगा बाय वॉकिंग वी कैन सेव मनी बाय यूजिंग कार रिक्शा बाई सो बाईसाइकल राइट ऑप्शन है ठीक है सो so, बाई क्या है राइट right ऑप्शन ये वाला डैश इज़ अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हमें पता है एरोप्लेन सबसे तेजी से यही पहुंचाता है डैश इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें एरोप्लेन कार शिप तो क्या है सबसे स्लो इन तीनों में से तो हमें पता है शिप राइट right? अब यहाँ पे देखो आंसर दिया है देख लेते हैं देखो यहाँ पे दिया गया है ये रहा आंसर आपका एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शिप इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट धीरे जाता है अब यहाँ पे सारे आंसर्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं अंडरलाइन करके ये जो देख रहे हो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बाय वॉकिंग मैंने बताया था सेकेंड का क्या बताया था मैंने एयर तो एयर आया है यहाँ पे थर्ड का क्या बताया था मैंने बाईसाइकिल बाईसाइकिल फोर्थ फिफ्थ बचा हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हो आंसर इसका भी स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स सो देखो इन द ओल्डन डेज शिप सेलिंग विद द हेल्प ऑफ द विंड वेयर इन यूज आंसर इज़ ट्रू तो पुराने टाइम में कैसा होता था, था जो शिप सेलिंग होती थी वो हवा के जिस दिशा में हवा हवा की हेल्प से ही वो चलते थे तो दैट इज़ ट्रू ट्रांसपोर्ट हेल्प इन गेटिंग द वर्क टन सूनर सो दैट इज़ ट्रू ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं जल्दी से जल्दी काम हो जाए डन हो जाए स्मोक एमिटेड फ्राम द वहीकल इंक्रीजेज द फ्रेशनेस ऑफ लीव्स फॉल्स ओके कॉन्स्टेंट ट्रैफिक थ्रू फॉरेस्ट एरियाज कैन हार्म द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ट्रू अगर कॉन्स्टेंट लगातार ट्रैफिक होती है तो उसकी वजह से क्या होता है जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ के एनिमल्स को हार्म पहुँचता है ओके प्राइवेट व्हीकल्स आर टू बी यूज इंस्टेड ऑफ पब्लिक वहीकल्स दैट इज ऑल्सो फॉल्स क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग पे देखो दीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा सब बाईसाइकल स्कूटर रिक्शा पॉइजनस गैसेस एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स सो कौन कौन से पॉइजनस गैस यानी जहरीले गैस एमिट होते हैं निकलते हैं व्हीकल्स से तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे पॉइजनस गैसेस हैं ओके ओके तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसऑर्डर्स क्रिएटेड बाय पॉल्यूशन हार्मिंग ह्यूमन बींग्स तो देखो यानी कि बोला गया है कि जो पॉल्यूशन है वो ह्यूमन बींग को कैसे नुकसान करता है क्या क्या बीमारियां लाता है तो ट्रकिया लंग लंग डिसीज आई डिसऑर्डर रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी इरिटेबिलिटी यानी इरीटेशन हेडअर्द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये सारी बीमारियाँ होती हैं ठीक है ये सारी बीमारियाँ होती हैं किसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से तो अब इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है पूरा क्लियर मैं आपको जूम इन करके बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे है मैच द कॉलम्स देख सकते हैं बस कार पॉइजनस गैस कौन सा किस में होगा तो कौन सा मैच होगा किस में तो आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ देखो बस किस में जाएगा पब्लिक व्हीकल है ठीक है प्राइवेट नहीं है कार क्या होता है कार प्राइवेट व्हीकल होता है ठीक है पॉइजनस गैस क्या होता है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है क्यों क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लेते हैं ठीक है उससे तो हम जिंदा रहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस वन सेंटेंस में आंसर देना है तो देखो यहाँ पे वट इज ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अंदर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं जो लोग उसे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट यानी गुड्स को लेके जाते हैं सामान को लेके जाते हैं वॉट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के साधन क्या क्या हैं सो so, देखो द मीन्स वीच आर यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अंदर आर कॉल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है वो चीज़ें ठीक है जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर पाते हैं लोग मूवमेंट कर पाते हैं अपने गुड्स को ले कर जा आ सकते हैं कैरी कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाट डू वी नीड टू यूज़ द ऑटोमोबाइल्स सो हमें क्या ज़रूरत है ऑटोमोबाइल्स के लिए हमें जरूरत होती है फ्यूल्स की ठीक है यानी कि जो भी चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं व्हीकल्स उसके लिए क्या जरूरत तो होती है फ्यूल्स की ईंधन की यानी डीजल पेट्रोल वॉट डू वी सेव ऑन बाई यूजिंग द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम क्या सेव uh, कर सकते हैं सो वी कैन सेव टाइम एंड एफर्ट ओके बाई यूजिंग द फ़ास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच फैसिलिटीज हैव बिकम स्पीडियर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट सो फैसिलिटीज़ लाइक टूरिज्म हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा हैव बिकम स्पीडियर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट यानी ज़्यादा ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है इनकी किसकी टूरिज़म की हेल्थ एजुकेशन सब चीज़ की ट्रांसपोर्ट की वजह से फटाफट गाड़ी हमें मिल जाती है अगर हम देखें लोकल ट्रेन ठीक है एरोप्लन तो यहाँ पे फटाफट ये चीज़ें हो जाती हैं हम इनसे इन ये जो हमारी टूरिज़्म है हेल्थ एजुकेशन ये सब स्पीड में हो, होने लगे हैं वट इज़ एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन क्या है एंड एक्सेस ऑफ पॉइजनस गैस यानी बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस जहरीली गैस एटमोसफियर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे तो इससे क्या होता है जो एयर की क्वालिटी है वो लो पड़ जाती है गिर जाती है इसे ही बोलते हैं एयर पोल्यूशन ठीक है हुज लिव्स आर इन डेंजर्ड ड्यू टू पॉल्यूशन सो so, सबसे ज़्यादा खतरे में कौन आता है पोल्यूशन की वजह से तो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट्स ये सब के सब पोल्यूशन की वजह से ख़तरे में आ जाते हैं इन डेंजर्ड अब अगर आपको इंडेंजर्ड की स्पेलिंग ब्लर लग रही है तो यहाँ पे देखो वही स्पेलिंग दी गई है ठीक है एकदम क्लियर है बिल्कुल भी और आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप थ्री सिक्सटी फोर करके देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा ओके अगर आप वन फोर्टी फोर देखते हो तो आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे सकता है वैसे पिक्स जितने भी पिक्स हैं यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं सब क्लियर हैं ठीक है वॉट टाइप ऑफ पल्यूशन डज अ ट्रैफिक जैम लीड टू तो किस तरीके का पल्यूशन ट्रैफिक जैम को बढ़ावा देता है तो नॉइज मतलब क्या करता है बहुत ही ज़्यादा आ, मतलब बोला गया है कि ट्रैफिक जाम की वजह से कौन सा पोल्यूशन बढ़ता है सो नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है है ना बार बार हम देखते हैं जब ट्रैफिक लगता है तो कितनी ज़्यादा हॉर्न बजता है कितना ज़्यादा आवाज़ रहता है विच ट्रीज़ आर टू बी प्लांटेड टू रिड्यूस पोल्यूशन कौन से ट्रीज़ हैं जो बहुत ही मतलब पल्यूशन को कम कर सकते हैं बोलते हैं ना ट्रीज़ प्लांट करो ट्रीज़ प्लांट करो सो so, जैसे ट्रीज़ लाइक बनयन पीपल नीम करंज एट्सट्रा आर टू बी प्लांटेड टू रिड्यूस पोल्यूशन ये सब के सब ये जो ये इतने हैं ना ये क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है मेंस uh, की वो एयर को वो शुद्ध भी करते हैं प्यूरीफाई भी करते हैं राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अभी आप देखते होंगे कि जो रिक्शा है ठीक है तो वो कैसे चलता है अभी सीएनजी पे चलता है लिखा होता है सीएनजी करके तो अभी उसमें हम देखते हैं डीजल पेट्रोल जो पहले पड़ था वो अभी नहीं होता क्यों क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा पड़ता था और कितना वो तो चलाना पड़ेगा ही क्योंकि वो रिक्शा तो चलता ही है ज़्यादातर अगर हम देखिए दिल्ली में या मुंबई में ठीक है जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं तो अभी वहाँ पे सी एन जी पे होने लगी हैं गाड़ियाँ चलने लगी राइट द फुल फॉर्म ऑफ एल पी जी तो सिंपल है लिक्वी लिक्वी लिक्वीफाइड लिक्वी पेट्रोलियम गैस ये तो आपको पता ही होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सो so, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है पॉइंट्स आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करनी है जैसे यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ है वैसे आपको नहीं लिखना है तो देखो यहाँ पे बोला गया है राइट फाइव सेंटेंसेस आपको पांच सेंटेंसेस लिखने हैं ऑन हाउ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पे आपको कैसे बेनिफिट होता है कैसे आपको फायदे मिलते हैं तो देखो दिया गया है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द फॉलोइंग वेज पहला क्या है आई कैन रेगुलरली गो टू स्कूल बाय बस हम देखते हैं अभी बच्चे स्कूल से जाते हैं तो ये एक फ़ायदा हुआ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का दूसरा क्या फायदा है फायदा है आई कैन राइड टू प्ले ग्राउंड ऑन माई बाई एंड कैन प्ले एवरी डे मैं साइकिल से अपने प्ले ग्राउंड में रोज चला के जाता हूँ और वहाँ पे डेली खेलता हूँ आई कैन गो टू द पब्लिक लाइब्रेरी मैं पब्लिक लाइब्रेरी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ बाई बस एंड कैन रीड मैनी रेफरेंसेज बुक और बहुत सारे बुक्स पढ़ सकता हूँ पेशेंट्स फ्राम माई लोकेलिटी कैन गो द म्यूनिसपल हॉस्पिटल बाई एम्बुलेंस एम्बुलेंस भी इसमें ही है ये भी तो इसी में है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में ही है तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं जो रोगी मरीज हैं वो क्या करते हैं म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल जाते हैं आई कैन गो टू माई नेटिव प्लेस अपने नेटिव प्लेस पे जाते हैं by ट्रेन एंड एन्जॉय my वैकेशन तो so, इतने सारे बेनिफिट्स हमें किससे मिले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ से मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स यू कैन राइट आंसर इन योर ओन खुद से लिख सकते हो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं अपने से भी लिख सकते हो वो सब तो है ही आंसर अपने तरीके से भी लिख सकते हो ओके नौ सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट फोर अदर फैसिलिटीज़ दैट है बिकम अवेलेबल इन द लोकल एरिया ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ राइट तो यहाँ पर आपको चार यहाँ पे फैसिलिटीज़ दूसरे बताने हैं जो अवेलेबल हैं आपके लोकल एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में देखो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे भी पॉइंट वाइज है आप देख सकते हो लेकिन पॉइंट वाइज ऐसे मिक्स करके दिया हो गया है आपको मिक्स करके नहीं लिखना है हर एक पॉइंट आपको मीन्स ईच पॉइंट्स यू शुड स्टार्ट विद न्यू लाइन ओके फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैव सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ़ वेजिटेबल मार्केट एंड देयर बाय हैव सपोर्टेड सर्विस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो ट्रांसपोर्ट क्या फैसिलिटीज हमें देता है क्या प्रोवाइड करता है तो वेजिटेबल्स को ग्रो करने में यानी कि मार्केट में ले जाने में ट्रेड और कॉमर्स करने में यानी कि ट्रेडिंग करने में बिजनेस करने में तभी हम देखते हैं कि हम अपने व्हीकल्स की ही हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को प्रोडक्ट्स को लेके जा आ सकते हैं सेकेंड पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैव मेड इट पॉसिबल फॉर द टूरिस्ट जो टूरिस्ट होते हैं वो टूरिस्ट जो टूरि मतलब जित टूरिस्ट आते हैं जो घूमने के लिए आते हैं पिकनिक मना मनाने के लिए आते हैं तो वो विज़िट कर पाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे ठीक है और इससे क्या होती है ये सपोर्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रेस्टोरेंट लॉजिंग तो जैसे वो कहीं पे जा रहे हैं तो उन्हें रुकने के लिए जगह नहीं है तो क्या खाने के लिए उनको रेस्टोरेंट होटल लॉजिंग सबकी हेल्प सबकी उन्हें ज़रूरत होती है ओके थर्ड पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है मेड इट पॉसिबल टू स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल एंड कॉलेज सिंपल सी बात है स्कूल कॉलेज जाने के लिए भी हम यहाँ पर जा सकते हैं और चाहे बुक शॉप की बात हो स्टेशनरी की बात हो यहाँ पे उसकी भी हम देखते हैं ग्रोथ हुई है ठीक है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम अगर देखें तो सारी फैसिलिटीज़ शॉप्स हैं दुकानें हैं या फिर जो चीज़ें मिलती हैं या ट्रेडिंग है बिज़नेस है एक जगह से दूसरी जगह जाना है वेकेशन के लिए जाना है टूरिस्ट के लिए जाना है पिकनिक के लिए जाना है हर जगह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आज हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ राइट तो ये सारे आंसर्स हैं तो यहाँ पे दिया भी गया है बैंक हॉस्पिटल थिएटर्स लाइब्रेरीज ये सब भी ग्रो हुए हैं इसकी ही वजह से ठीक है इसे अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूं आपको क्वेश्चन आंसर ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में ईजी हो मैं समझा दूंगी तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा तो आप लर्न करना आपके लिए ईजी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन वाले सारे वीडियोज अपलोडेड हैं आप देख सकते हो ईवीएस टू इंग्लिश तीनों के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं आप वहाँ से देख सकते हो राइट चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट फोर सोल्यूशन चार सोल्यूशन आपको बताना है कि लोकल ट्रांसपोर्ट के जो बर्डन है वो कम हो सके तो फोर सोल्यूशन क्या है यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट देखो जो आपके पास में या नियर बाय प्लेसेज है, है वहाँ पे आप साइकिल चला के जा सकते हो या फिर बाय वॉकिंग या फिर साइकिल चला के जा सकते हो इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है दूसरी चीज दूसरा पॉइंट क्या कहता है जब आप ट्रैवलिंग करते हो अपने टाउन में सो जंपिंग ऑन अ बस और ट्रेन इंस्टेड ऑफ़ प्राइवेट व्हीकल यानी प्राइवेट व्हीकल की जगह आप जो वहाँ पे वहाँ से बसें जाती हैं बसें तो वैसे भी खाली ही जाएंगी अगर सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं फिर भी बस को तो जाना ही है क्योंकि वो तो पब्लिक के लिए ही है तो अपना यहाँ पे बोला गया है कि खुद के प्राइवेट व्हीकल की जगह पे आप उसका जो ट्रेन है बस है उसको तो उस रूट से जाना ही है तो अपना बाइक लेके जाना अपना कार लेके जाना उसकी वजह से आप इसमें ट्रैवल करो ठीक है क्योंकि उसका तो होता है ना उसका कन्फर्म टाइम होता है इतने बजे से इतने बजे तक वो जाता ही है ओके ना थर्ड पॉइंट इज यूजिंग प्राइवेट व्हीकल ओनली ऑन नेसेसरी ऑकेजन अपना प्राइवेट व्हीकल अब कब यूज करो अपना कार अपना खुद की गाड़ी जो है वो कब कोई बहुत जरूरी ऑकेजन्स हो कि अब आपको वहां पे बस नहीं जाएगी वहाँ पे ट्रेन नहीं जाएगी अब बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जा सकते हो वहाँ पे फिर अपने प्राइवेट व्हीकल्स जाइए और शेयरिंग प्राइवेट व्हीकल्स अमंग फ्रेंड्स अब जैसे कि दो फ्रेंड्स जा रहे हैं तीन फ्रेंड्स जा रहे हैं तो ऐसा नहीं सब अपने 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 बाइक से जाएं एक बाइक पे दो लोग हो सकते हैं ठीक है जिस तो तरीके से उनको भी हेल्प मिल जाएगी और इतना ज़्यादा जो रिड्यू मतलब कि जो बर्डन है लोकल ट्रांसपोर्ट का वो कम होगा रिड्यूस होगा तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स के साथ में शेयर करना है अपने कलीग्स के साथ जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है तो ये सारी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए हमें ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज़ ए इन द पिक्चर गिवन ऑन टेस्ट पेज नंबर पोल्यूशन तो वो आपको पिक्चर में देखना है जो दिया गया है सेवेंटी टू पेज नंबर पे तो जो पॉल्यूशन इज द बस तो व्हीकल्टी टू द्हकल पोल्यूशन इज द बस बस से है ठीक है वॉट रेमेडी विल यू सजेस्ट टू रिड्यूज द पॉल्यूशन कॉज बाय दिस व्हीकल सो देखो रेमेडीज कौन कौन सी यानी कैसे क्या सजेस्ट करते हो आप कि पोल्यूशन कम हो व्हीकल से ठीक है तो यहाँ पे दिया गया है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना जरूरी है रिपेयरिंग करना ज़रूरी है बस की और यूज़ करें कौन सा सीएनजी यूज़ करें इससे क्या होगा इससे व्हीकल से पोल्यूशन कम होगा मैंने पहले ही बता दिया सीएनजी क्या है उसका यूजेस क्या है वट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स क्या प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो हमें पता है ट्रांस उस पॉइजनस गैसेज छूटते हैं निकलते हैं व्हीकल से इसके इसकी, इसकी वजह से जो पत्तियाँ हैं वो श्रिवल हो जाती हैं येलो पड़ जाती हैं मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं और जो स्प्राउट्स होते हैं स्कॉस्ट पर हो जाते हैं यानी जो बीज होते हैं जो निकलते रहते हैं उनमें से अंकुर फूटते रहते हैं वो वहीं सड़ जाते हैं ठीक है और ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की वो एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है बढ़ नहीं पाता और कंटिन्यूसली ट्रैफिक अगर रहेगा तो फॉरेस्ट एरिया को और उसके जो हैबिटेट ऑफ प्लांट्स हैं प्लांट्स को भी और इवन उसके एनिमल्स को भी हार्म पहुंचता है अब क्या यहाँ पे जो एनिमल्स पे क्या ट्रांसपोर्ट की जैसे क्या बुरा क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है इल इफेक्ट क्या पड़ता है तो वो भी दिया गया है एनिमल्स सफ़र कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों से लंग की बीमारियाँ ठीक है जो लंग्स की डिजीज़ हो सकती हैं आई डिज़ीज़ हो सकती हैं ये सारी बीमारियाँ उनको ट्रांसपोर्ट की वजह से हो सकती है लगातार ट्रैफिक अगर ज़्यादा मतलब ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा जब व्हीकल चलती हैं तो उससे क्या होता है फॉरेस्ट एरियाज़ कैन हार्म द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ड्यू टू तो ट्रैफिक द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वेगिन टू माइग्रेट एल्स वे दूसरी जगह बेचारे क्या करते हैं माइग्रेट करने लगते हैं थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि थ्री सिक्सटी फोर एट्टी पे करके देखो तो आपको क्लियर दिखाई देगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ह्यूमन बींग्स पे क्या इल इफेक्ट पड़ता है सेम चीज़ें हम बार बार देख चुके हैं वही बीमारी उनको होती है. हो बीमारी हैं रेस्टलेसनेस होगा बीमारियाँ होंगी अलग अलग और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हम देख सकते हैं इज़ इट नेसेसरी टू प्रिवेंट पोल्यूशन क्यों जरूरी है पोल्यूशन को रोकना सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे ईजिली देख सकते हो आप इजी इजी पॉइंट्स हैं सारे लर्न हो सकते हैं नाइन्थ दिया गया वाटर द एडवांटेजेस क्या फ़ायदा है बाइसाइकल चलाने के तो बहुत ही सिंपल है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में पॉइंट वाइज दिए गए हैं देख सकते हो आंसर मैं यहाँ पे फटाफट अभी आपको आंसर बताती हूँ क्योंकि आंसर्स ज़्यादा है यहाँ पे लेंदी है वीडियोस काफ़ी लेंदी हो रहा है ये वीडियो लेंदी हो रहा है तो फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स लिखना है तो ज़्यादा मार्क्स लिए होता है तो क्या फ़ायदे हैं ट्रांसपोर्ट के वो दिया गया है नुकसान क्या है ट्रांसपोर्ट के वो भी दिया गया है आपने तो पढ़ ही लिया किस तरीके से क्या क्या फ़ायदे हैं नुकसान भी क्या क्या है हमने देख लिया ट्रीज़ प्लांट्स ह्यूमन बींग्स सबको नुकसान है अलग अलग तरीके की जो अलग अलग टाइप्स के जो यहाँ पे पॉइजनस uh, गैस से निकलती हैं लेकिन उससे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं जैसे कि एजुकेशन टूरिज़म एजु सारी चीज़ों में वो स्पीड में हो, हो रहा है चीज़ें हम कम टाइम में पहुंच पाते हैं हर जगह पे वो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे और भी उसी के पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट्स दिए गए हैं देख सकते हो ये डिसएडवांटेजेस ही हैं डिसएडवांटेजेस ही हैं इसके ये यह यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पॉइंट था अब यहाँ पर देखिए सेकेंड थर्ड फिफ्थ तक है यहाँ पर पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है द रेमेडीज़ फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन पोल्यूशन को रिड्यूस करने के क्या क्या रेमेडीज़ हैं वो यहाँ पे पॉइंट वाइज देख सकते हो सिक्स पॉइंट्स दिए गए हैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पॉइंट्स मिक्स करके नहीं लिखने हैं एक लाइन कंप्लीट हुआ दूसरा लिखो फिर तीसरा लिखो ऐसे लिखना है ओके okay? आ जाते हैं ओपन क्वेश्चन पे आंसर देख सकते हो यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो जरूर लाइक कर फ्रेंड्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे वैसे ही बेल आइकन का ऑप्शन आ जाता है बेल आइकन जरूर हिट करिए प्रेस करिए उसके बाद थ्री ऑप्शन आता है पहला ऑप्शन आता है ऑल का ऑल पे क्लिक करिए इससे क्या होगा जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईज़िली मिल जाएगा आप हर वीडियोज़ देख पाओगे अगर आपके चैप्टर्स का नहीं है सिलेबस का नहीं है आपको नीड नहीं है सो आपको इग्नोर करना है अवॉइड करना है उसे क्लिक ही नहीं करना है आपके चैप्टर का है तो उसे आपको ईजिली मिल जाएगा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना अब यहाँ पे देख लो ये आंसर्स दिए गए हैं ठीक है इसका भी आंसर देख लो वीडियो एंड तक देखिए कोई भी वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर जो भी वीडियो चाहिए वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ओके okay, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोडेड हैं सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेसन अपलोडेड हैं अलग अलग प्ले बनी हुई है इंग्लिश इंग्लिश और ई वी एस वन ई वी एस टू की तो आप देख सकते हो पूरा आंसर बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स अच्छे से दिखाई दे रहा है सारा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिखाई दे ब्लर लगे तो आप हाई रेजोल्यूशन पे देखना आपको नहीं पता हाई रेजोल्यूशन क्या होता है थ्री सिक्सटी रेजोल्यूशन क्या होता है फोर एटीज रेजोल्यूशन क्या होता है तो जस्ट आस्क योर पेरेंट्स उनको बोलिए करने करके देने के लिए वो आपकी हेल्प करेंगे